मेन एंट्रेंस ये है आपके कोट वगैरह टांगने के लिए, यहाँ बैठ के जूती वगैरह उतारें और या पहने। ये क्लोजेट है, इसमें अपने जैकेट, हैंगर्स, टॉवल्स पड़े हुए हैं। शुरू में ये क्लोजेट है, ये इधर ये देखें, ये है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में ये है ड्रायर, और ये है वॉशर। दो टाइट कपड़े हुए हैं पाउडर, सो ये वॉशर कपड़े धोने के लिए। इसको बंद करें, ये एक और दरवाजा है ताकि ठंड अंदर ना है, इसको भी बंद करेंगे ऐसे। ये है जी वॉशरूम, और बीच में इसके टब है, ड्रायर भी पड़ा हुआ है, और अंदर इसके टॉवल्स और टिश्यू रोल, बाथरूम रोल्स। अब इधर आएंगे तो ये है बेडरूम, ये है क्वीन बेड, बल्कि क्वीन से भी बड़ा लगता है। ये है विंडोज जो कि ऐसे फेसिंग, ये देखिए बिग विंडोज, टीवी ड्रॉर्स, लैंप्स, ये हैं एक्स्ट्रा कंबल्स, तकिए, फैन पड़ा हुआ है एक एक्स्ट्रा, और ये पूरी मिरर क्लोजेट, ये उन्होंने साथ में रखे हुए हैं दो रोब्स। हाँ इधर आएंगे, ये है जी इसमें भी ये इस्त्री स्टैंड और इस्त्री पड़ी हुई है। ये आपका गर्मियों में चलाने के लिए दूसरा फैन है, ये भी छोटी सी क्लोजेट बनाई हुई है, आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। कमरे में भी क्लोजेट है? या मिरर क्लोजेट है ना। ये है जी हीट कंट्रोलर। अब हम आते हैं किचन की तरफ, ये देखिए यहाँ से किचन, ये डाइनिंग टेबल की तरफ है, ये हम लेके आए थे आज फ्रेश मार्केट से थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे। ये सारा कुछ, ये है टोस्टर, ये हैं सारे बर्तन, प्लेटें, बाउल्स, और ये वाली है इसमें ग्लासेस, ग्लास पड़े हुए हैं। ये है माइक्रोवेव, और ये है जी स्टोव, स्टोव जी, ओवन, ओवन के ये इस तरह के हैं बगैर किसी ग्लास टॉप है ये, और ये इसका अंदर वाला हिस्सा साफ सुथरा। ये नीचे थोड़ा
थोड़ी सी स्टोरेज है जिसमें ये है, आपने अगर मफिन बनाने हैं वो है, कुछ चीज़ बेक करनी है वो वाली डिश है, मिटन्स, और ये गर्म बर्तन रखने के लिए, ये हैं जी नाइफ छुरियाँ, तेज छुरियाँ हैं, ये वो है काली मिर्च और नमक, ये है किचन टॉवल पेपर, और इसमें भी शीशे की डिशें और ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इधर ये कप है, ये छोटी चीज़ टी पॉट और शुगर पॉट, और ये कुछ ग्रेवी श्रेवी के लिए होता है। अच्छा, ये हैं जी राजन, जिसमें के कटलरी सारी पड़ी हुई है, इसमें हैं सारे चम्मच, इसमें हैं सारी आपके बॉटल ऑपनर्स और डिफरेंट टाइप के टांग, और ये हैं जी आपका अगर आपने कुछ चीज़ बेक करनी है तो ये है हैंड मिक्सर, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर, और साथ में मेजरिंग स्पूंस। इधर पड़ी हुई हैं सारी देगचियाँ, डिफरेंट टाइप के पैन, फ्रैंक पैन और रबर की टोकरियाँ वगैरह वगैरह वगैरह, ये हम लेके आए थे फ्रेश मार्केट से, ये इन्होंने दिया है ये वाला सारा, ये कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी लेके आए हैं, और टेटले ब्लैक टी लेके आए हैं, ये कॉफ़ी मेकर है जिसमें मैंने अभी इंस्टेंट कॉफ़ी डाल के इसमें ऊपर से पानी डाला और फिर इसको चला दिया, तो ये हमने 2 कप कॉफ़ी बनाई थी, क्या कॉफ़ी बनी थी, क्या बात है, अभी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो कॉफ़ी मेकर ये हो गया, ये है जी हमारा फ्रिज, फ्रिज में हम लेके आए हैं अंडे हैं, दूध है, मक्खन, क्रीम चीज़, ब्रेड पड़ी हुई है, ये पानी की बोतलें हैं, और ये मैंने, ये जिंजर एल है, कैनरा ड्राई कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जिंजर एल है वो मैंने खुद बनाई हुई है घर में, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, तो ये फ्रिज है, और इसके नीचे ये है जी फ्रीज़र, तो हमने 2 दिन के लिए क्या करना। हाँ, और एक और चीज़, ये देखिए, ये है डिश वॉशर, ये देखें साफ सुथरा बिल्कुल, ये चम्मच उनके लिए, चमचों के लिए जगह है, जो कटलरी जो होती वो होती, दूसरे चमचे नहीं, दूसरे चमचे जो है ना वो उनको नहीं धोते, तो ये डिश वॉशर, इसमें ऐसे खोलते हैं, इसमें डालते हैं जो पाउडर होता है या वो बना होता है पाउच सा, वो इसमें डाल के इसको बंद करते हैं, इसको चलाते हैं, तो बर्तन खुद ब खुद, ये यहाँ पे छोटा सा उल्लू बैठा हुआ है जो मुझे देख रहा है, प्यारा सा क्यूट सा, तो जी ये सारा, इसके नीचे भी वो देखें ब्लेंडर पड़ा हुआ है और कैटल पड़ी हुई है, ये कद्दूकश करने के लिए रखा हुआ है उन्होंने। तो ये था किचन, किचन से बाहर आते हैं तो ये था लिविंग रूम। अब मैं क्या बताऊँ आपको लिविंग रूम में क्या है, ये देखिए, ये सोफ़ा कम बेड है, जो कि अगर आप 4 बंदे हैं तो आप इसको खोल के
ये जो हिस्सा है खोल के, तो इसको ये आपका बेड बन जाता है। तो यहाँ भी दो बंदे सो सकते हैं और एक एक बेड जो है बिगर देन क्वीन वो बेडरूम में वो है। इसकी भी खिड़कियाँ जो हैं ये दो, और ये दरवाज़ा बाहर खुद। अच्छा, ये देखिए एक छोटी सी रिलैक्सिंग चेयर इधर पड़ी हुई है, लैंप है, ये और ये छोटा सा डाइनिंग एरिया जिसमें कि हमने, जिस पे बैठ के हमने अभी अभी कॉफ़ी और साथ बन क्रीम चीज़ लगा के खाए थे। चार चेयर्स हैं और ये टीवी, साथ में फायरप्लेस और ये है बाहर बैठने के लिए। ये देखिए ये दूसरे यूनिट्स हैं। ये देखिए स्नो पड़ी हुई है, ये सोफा, ये बाहर बैठने के लिए। क्या बाहर बैठ के जब गर्मियाँ हों, इस वक्त तो ठंड है तो इसलिए अच्छा नहीं इतना लगेगा, लेकिन ये देखिए स्नो इकट्ठी की हुई है यहाँ पे, ये सारी की सारी स्नो उधर भी पड़ी हुई है, हर जगह पर ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं आपको पहाड़ तो नहीं दिखा सकती, शायद नज़र आ जाए या थोड़े थोड़े जिन पे स्नो पड़ी हुई है। और ये खूबसूरत सा एरिया बैठने के लिए, ये बाहर से हैं ये खिड़कियाँ, वो बेड, वो वाली बेडरूम की है ये, और ये वाली ये जो है ये लिविंग रूम की, ये वाली लिविंग रूम की। और ये हम अंदर जाएंगे और दरवाज़ा करेंगे बंद। थोड़ी ठंडी है, ये डिफरेंट टाइप के पड़े हुए हैं, वायरलेस और ब्लू रे थिंग लाइक दैट। ये साइड टेबल सोफे के साथ और एक ये सेंटर टेबल। तो ये था यूनिट जिसमें आज हम आए हैं, हमने बुक करवाया हुआ था पिछले साल का, तो फाइनली हम आज यहाँ हैं। आज फ्राइडे है तो अप्रैल 7, 8, 9, 10 को हमने चेकआउट करना है, लेकिन हम 9 को ही रात को करेंगे क्योंकि हबी ने जाना है जॉब पे मंडे को, तो वो हम मंडे को सुबह नहीं निकल सकते। ये यहाँ से डाइनिंग रूम वाले एरिया से, यहाँ से ये छोटी सी बनाई हुई है जगह, ये किचन का एरिया है, ये वाला कूजी सा छोटा सा अच्छा लगता है। हम विस्लर में आए हुए हैं और विस्लर में, विस्लर जो है वो स्की रिजॉर्ट है जहाँ पे ये सारे जो यंग बच्चे हैं वो आते हैं और स्की करते हैं, हैं। और उसके लिए, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ पे आके बहुत ठंड लगती है क्योंकि अभी स्नो पड़ी हुई है। ये देखिए ये ऐसे वो शूज़ पहनते हैं, ये उनके जो आइस शील्ड स्की गॉगल्स, ये है प्ली रिलीजेबल स्की बाइंडिंग डिवाइस, ये जो है बूट के साथ, और ये है स्की गूगल गॉगल्स जो कि वो पहनते हैं, वरना उसका बहुत ग्लेयर पड़ता है आँखों पे स्नो का वाइट कलर का। ये हैं जी लैमिनेटेड स्की डिफरेंट थिंग्स, और ये स्की पोल है
जो हाथों में पकड़े जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये उन्होंने पकड़ी होती हैं चीज़ें। तो ये इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये स्की रिजॉर्ट है तो उन्होंने कमरे में जो फ्रेम लगाए हुए हैं पिक्चर्स, वो भी स्की उसकी हैं। नाइस।